कौन पहने? अस्सलाम वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। और आज है ईद का थर्ड डे। हम लोग डिनर करके निकले हैं फैमिली के साथ, चाइनीज़ खाया। और क्योंकि दो तीन दिन से मुस्तकिल दावत हुआ खा के ना कुछ तबीयत बेजार हुई थी। नेम ऑफ द रेस्टोरेंट बोलते हैं नहीं, लिटिल चाइना गए थे। लिटिल न्यू लिटिल चाइना तारिक रोड पर, वहाँ हम लोग गए थे। वहाँ का खाना सही लगता है, चाइनीज़ मतलब बहुत हाई फाई नहीं है, बट आज स्पेसेस बहुत ज़्यादा फुले हैं हर जगह पे। वहाँ पे हमें स्पेस मिल गई, बस हो गया काम। खैर अब आए हैं हम लोग बबल टी लेने के लिए अपने लिए। ये दोनों चूज़ ही नहीं कर पा रहे थे, अब ले ली है बबल टी। और अब हम लोग अपनी बबल टी इंजॉय करेंगे, घर जाएंगे। और पता नहीं क्या हुआ है, आज से गर्मी बहुत बढ़ गई है। अचानक ऐसा लग रहा है बहुत गर्मी हो रही है। अभी 5-8 मिनट हुए हैं ऐसा हवा चली है, वरना पूरा दिन ऐसा लग रहा था गर्मी ह्यूमिड अजीब सा मौसम शुरू हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, ईद रमज़ान बड़े सुकून से गुजर गए, लेकिन अब गर्मी बहुत बहुत भाई शुरू हो गई है। समझ नहीं आ रहा, गर्मी चिपचिप अपन ये दें सारी चिकनाई सारा मुंह के ऊपर आई भी है। चले वेट कर रहे हैं अपनी बोबा टी आने का। बोबा टी बबल टी मिलते हैं आप लोगों से बबल टी आने के बाद। ये जो दो बैरल्स रखे हैं ना, अकॉर्डिंग टू शाह हुसैन, एक के अंदर चूही बोबाज है और एक के अंदर पॉपिंग डोबाज है। हालांकि डस्टबिन जाएंगे। और आ गया हमारा टी शायद, और नहीं हमारा नहीं था, किसी और का था। ये शाहजैन क्या हाल है, मतलब इतने बड़े बड़े बैरल्स में कौन रखेगा बोबा, वो भी स्टील के बैरल। तो नहीं रख सकते क्या, क्या हो गया है? मतलब गाइस देखे, रख सकते हैं तो लोग कदर रखते होंगे, बस ऐसे मुंह के अंदर और फ्रिज में रखेंगे ना, रेफ्रिजरेटेड रखेंगे, कूलिंग सिस्टम में रखेंगे किसी। ये इतनी गर्मी में खराब नहीं जाएंगे शाहजैन, डोंट यू थिंक सो? इनके अंदर कुछ लगा हुआ होगा। क्या लगा हुआ होगा पता नहीं, जो भी कुछ भी लगा हुआ होगा। आ गया आ गया, ये 1 2 3 ये आ गई हमारी ड्रिंक्स। और मैंने लिया है कोकोनट मिल्क टैपियोका, इन दोनों ने लिया है चॉकलेट मिल्क टैपियोका। शाहजैन का आपने पॉप देख लिया होगा, और ये इसका सिग्नेचर। हाँ जी, तो किसका ज्यादा अच्छा है? मेरा। आपका? किसका अच्छा मालिक साहब? कोकोनट वाला, चॉकलेट थोड़ा सा बिटर है, कोकोनट वाला बहुत मजे का। गाइस एंजॉय। क्या हो गया गाइस, ये महामगढ़ टॉय था, उसको मैं हर रोज बहुत बुरी तरीके से मारता था, प्यार भी करता था लेकिन मारता था। उसने बार भागते हुए बाबा को पानी देने आया, मैं उस टॉय पे पिछला टॉय उड़ते हुए गया, मैं भी उड़ते हुए गया। तो टॉय ने रिवेंज ले लिया आपसे। अरे खड़े होने की कोशिश, अरे नहीं हो रही ना। ये डालूंगी बेटा व्लॉग में। बेटा दूसरी टांग से तो उठ सकते हैं। ये देखो काम देखो इसके। वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैर खैरियत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद है आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। और प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट करूँगी आप सबसे कि प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इंशाल्लाह और भी अच्छा अच्छा कंटेंट मैं डालती रहूँगी। और आज ऑलमोस्ट ईद ख़त्म हो गई है, हॉलीडेज़ जो थे ईद के ख़त्म हो गए हैं। आज पहला वर्किंग डे था, अच्छा गुजरा ईद का वीकेंड, बहुत बहुत हैप्पी रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और ईद के फर्स्ट डे से मेरे हस्बैंड को लगी थी कि उनको ट्रैफिक खाना है। खैर हम लोगों को बारबेक्यू ग्राइंड का ट्रैफिक बहुत पसंद है, लेकिन वो यकीनन ईद के फर्स्ट डे कहाँ से मिलता है। फिर 2-3 दिन मौका नहीं लगा। आज उन्होंने मुझसे कहा कि तुम घर में ट्रैफिक बना लो, तो आज बन रहा है मेरे हस्बैंड साथ के लिए ट्रैफिक। वे भी कर दें, बहुत कैमरा शाय है भाई, नहीं इनको होता कैमरा मैन मत लो मुझे। सो अब हम इनको नहीं लेते हैं, अब हम चलते हैं अपने ट्रैवल। तो जी ये बन चुका है मेरा कस्टर्ड,
यहाँ पे जेली है, ये रहे कुछ बनानास और यहाँ पे फ्रूट कॉकटेल। मैंने कहा इतना इतना सा फ्रूट क्या मंगाऊँ, सोचा कि इतना तसा मैं क्या फ्रूट मंगवाऊँगी, मैंने कॉकटेल ही मंगवा लिया और केक्स प्लेन मिला नहीं मुझे, तो ऐसी लेयरिंग कर दूँगी कोई बात नहीं। अभी बनाया है तो जल्दी से ठंडा करने के लिए पीछे फ़ैन चलाया। हाँ पीछे क्लियर आई, मुझे लगा कुछ कैमरा पर लगा हुआ था तो उसकी वजह से कोई आवाज़ क्लियर नहीं हो रही होगी। खैर बस ये जल्दी से ठंडा हो गया, मैं इसको लेयर करके फ्रिज में डाल दूँगी। खाना तैयार हो चुका है, आज मैंने बनाया मटन भुना और बस ट्राइफल का फिर मैं आप लोगों को रिव्यू शेयर करूँगी। अच्छा पुडिंग एक दो लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट भी की है, कमेंट्स में अगर रिक्वेस्ट आएगी तो मैं ज़रूर इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। प्लीज़ 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 दोबारा कह रही हूँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, स्टे ट्यून्ड। तो गाइस ये तैयार हो गया हमारा मज़ेदार सा ट्राइफल, अब हम इसको चिल करने के लिए फ्रीजर में रख देंगे। और ये तीन डिफरेंट पोर्शन इसलिए हैं क्योंकि जितना जितना बचा जो जो बोल्स थे मेरे पास मैंने उसमें डाल दिया है। खैर अब इसको चिल करके फिर हम आपको बताएंगे ये कैसा बना है। और ये देखिए मेरे हाथ कितने अच्छे लग रहे हैं ना, पिंक पिंक रेड रेड से, कि जैसे पता नहीं कितना ब्लड है। खैर ब्लड भी सही है लेकिन ये है एक्चुअली अभी मैंने ट्राइफल बनाया उसके लिए जेली कट करके हाथों से उसको सेट कर रही थी, सो ये उसका कलर रह गया हाथों पर। ये देखें लग बड़े अच्छे रहे हैं लेकिन, और ये जो दिन मैं आपको बताई थी ना नील घुस गई थी मेरे थंब में, ये फोकस नहीं कर रहा कैमरा एक हाथ से, बैकग्राउंड फोकस कर रहा है ना, हाथ फोकस नहीं कर रहा, हाँ कर रहा है देखिए। तो ये काफ़ी डीप था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सही है। अब जहाँ पर टेंडर मेरा शदीद किस्म का पेन कर रहा है, आइसिंग कर रही हूँ बट नथिंग इज़ हेल्पिंग आउट टिल नाउ, दो तीन दिन हो गए। खैर आहिस्ता आहिस्ता वो भी सही हो जाएगा। एक्चुअली वो जो नीडल थी ना जिससे इंजेक्शन लगा रहे थे, वो नीडल थी आगे से पता नहीं ब्लंट थी या क्या थी, वो जा ही नहीं रही थी तो वो बड़ी ज़बरदस्ती करके अंदर डाली गई हाथ में, और जब वो इंजेक्शन लगा ना ज़ोर ज़बरदस्ती करके शायद उस वजह से वो पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ये शोल्डर मेरा यहाँ से पूरा ऐसा है जैसे ब्रूज्ड और इतना बड़ा बम्प बना हुआ है इसके ऊपर। खैर अम्मी कह रही थी आइसिंग करती रहो सही हो जाएगा, तो आइसिंग कर रहे हैं, हो जाएगा इंशाल्लाह सही। अब देखते हैं ये ब्लॉग कहाँ तक जाता है, ये आज स्टार्ट कर तो दिया है, ईद का फिफ्थ डे है, अब देखते हैं एक दो दिन तो चलेगा। तो मिलते हैं आप लोगों से आगे। अब होपफुली मीठा वगैरह सही हो, जिसके लिए बनाया है उसको पसंद आए। ये एक्सप्रेशंस के साथ कैसा बना है? एवन लग रहा है जो बारिश की ये लोग हो रही है ना प्रेडिक्शन हो जाएगी, पता नहीं हो जाएगी। आज सुबह ब्लैक क्लाउड्स में अब ब्लैक नहीं है व्हाइट है, क्लाउड्स तो मुश्किल ही है लेकिन हो भी सकता है, क्या पता हो जाए। हाँ जी तो आज ही आपका लुक क्या कहता है माम साहिबा? कल देखेंगे ना कल। तो क्या ट्राई कर रही हो? स्लीवलेस कर रही हूं। स्लीवलेस कर्ल्स, क्योंकि मेरे तो ऑलरेडी इतने कर लिए हैं, टर्न होके दिखाओ ये इस तरह, हाँ पीछे थोड़ा लूज लूज हो गया बट हाँ ओके इट विल डू द वर्क आई होप। अब अगर कल अच्छा लुक आया तो आप लोगों के लिए भी एक नई टेक्निक। आप लोगों ने माहम का भी देखा हुलिया, ये इन्होंने ट्राई कर रही हैं हीट टेस्ट कर्ल्स। कल हमें एक दावत में जाना है, ये उसके लिए अपने बालों को स्टाइल करने की कोशिश कर रही है। तो हीटलेस कर्ल्स का होता ये है कि एक रात पहले आप इसको स्टाइल करके और छोड़ देते हैं बालों को थोड़ा सा डैम करके, तो अगले दिन बाल वेवी या कर्ली से हो जाते हैं। तो शी इज़ ट्राइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, देखते हैं क्या इसका आउटलुक निकल के आता है। और कल जाना है, मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ है उनके घर दावत है, ईद की दावत है, तो उसके लिए ये तैयारी कर रहे हैं हम लोग। खैर इस व्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करूँगी, कल इंशाल्लाह नया व्लॉग स्टार्ट करूँगी। मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, अल्लाह हाफ़िज़।